दोस्तों 25 अप्रैल 1995 को गेदुन चौकी नाइमा 6 साल के हो गए थे। इसके ठीक एक ही महीने बाद वे दुनिया के सबसे यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर बन गए। गेदुन चौकी नाइमा तिब्बत के 11वें पंचन लामा हैं। पंचन लामा तिब्बतन बुद्धिज्म में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या लीडर होते हैं जो दलाई लामा के बाद आते हैं। तिब्बतन लोगों के बीच या उनके दिलों में पंचन लामा के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। चाइना ने 1950 में तिब्बत को ऑक्यूपाई यानी कि कैप्चर कर लिया था। पंचन लामा तब से ही तिब्बत के ऊपर चाइना के रूल के लिए एक खतरा रहे हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत माने जाते हैं दलाई लामा के बाद।